स्टूडेंट्स को हले भी काफी कंफ्यूजन है एसडीएस नु लेके। पहली गल तां जीसी की अपडेट नहीं हुई हले तक कि फाइलां लग सकदियां ने। दूजी गल 10 अगस्त तो बाद जिहड़ियां स्टूडेंट्स ने फाइलां लगाईयां ने कि यू ऑटोमैटिक एसडीएस च कंसीडर होणगियां, जिन्हां दे 1.5 ने पीटी वाले स्टूडेंट्स, रिजल्ट किदां दे आ रहे ने इत्थे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इत्थे मैं पहली गल तुहानूं दस्सां कि जीसी की दे विच टैक्निकल एरर्स ने जिहड़ी इमीग्रेशन कैनेडा ने क्लीयर कर दित्ता वा। इस करके तुहानूं ये वेट करने की लोड़ नहीं हैगी कि जीसी की अपडेट होगी उस तो बाद ही तुसीं एसडीएस दे विच फाइलां लगाउण लगोंगे नवें कानूनां दे हिसाब नाल। ये गल साफ ही आईआरसीसी ने दसी है कि जिहड़ियां 10 अगस्त तो पहलां लगियां फाइलां ने वह पुराने कानून के हिसाब से चलणगियां, जिथे आईएलटीएस दे 6 बैंड ही चाहिए सीगे और वह एसडीएस मन्नया जांदा सी, बाकी कोई भी टैस्ट एसडीएस दे विच नहीं मन्नया जांदा सीगा। 10 अगस्त तो बाद ओवरऑल तुहानूं 6 बैंड चाहिए ने, इंडिविजुअल बैंड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हैगी आयल्स को लेकर। पीटी, टॉफल, केल, सेलपिप ये सारे ही एसडीएस ने। सो जिन्हां दी फाइलां 10 अगस्त तो बाद लगियां ने, अगर तुसीं इस कंडीशन जिहड़ियां नवीं कंडीशन हैगियां ने एसडीएस दी, अगर उहदे विच तुसीं फॉल करदे हो तो तुहाडी फाइल एसडीएस दे विच है। पहली गल ते कन्फ्यूजन दूर करो। तो जीसी की कद तक रिफलैक्ट होंगी उहदी अपडेशन, अपडेशन पिछों कर रहे हैं पर टैक्निकल फॉल्ट करके वह नहीं रिफलैक्ट हो रही, ये आपां नहीं जानते, पर फाइलां आपां हुण लगा सकते हैं। इस करके ये कन्फ्यूजन भी दूर रखो कि जीसी की पता नहीं कद अपडेट होगी, फाइलां ऑलरेडी जिहड़ियां लग रही ने हुण वो शुरू हो गई ने नवें एसडीएस के हिसाब नाल। एक होर वड्डी गल हुण जिहड़ी हैगी हैगी आ रिजल्ट्स नूं लैके। बड़े स्टूडेंट कन्फ्यूज ने, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि बहुत चंगे रिजल्ट आ रहे हैं जी, 2.5 बैंड से 1.5 बैंड से पीटी दे, ये चीज़ां हले काफ़ी हद तक झूठ ने। साढ़े हम कुछ लेटली रिजल्ट आए ने पीटी दे जिहड़े पॉजिटिव आए ने, पर बहुत ज़्यादा नहीं आए, इस करके मैं नहीं दस सकता तुहानूं कि किन्ने क रिजल्ट ने जिहड़े वो पॉजिटिव इस टाइम से आउणगे। सो तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे ते हले पेशेंस रखनी पवेगी, अनलैस अंटिल ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल च होर 15-20 दिन 25 दिन तो बाद आप देखिए, 20 सितंबर के लागे या बाय एंड ऑफ नैक्सट मंथ काफ़ी कलैरिटी हो जाऊगी। बट जे मैं कहाँ कि भी बहुत उम्मीद है कि हम 2.5 बैंड ने स्टूडेंट के प्रोफाइल भी वह भी बहुत वधिया नहीं है, पास परसेंटेज भी 50% के लागे आ, तो उत्थे रिजल्ट कितना दे आउणगे ये बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। क्योंकि ओवरऑल तो जो आप कही बहुत ज़्यादा कोटा तो नहीं इनक्रीज किया उन्होंने रातों रात ही कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर चले जाएंगे। सो कुछ गल्लां काफ़ी हद तक सच नहीं भी है। अगर आप ये सोच लिए कि सिर्फ एसडीएस ऑन करके ही रिजल्ट्स बहुत चंगे मिलने लग पड़े, मैनू नहीं लगता। बट हाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1.5 बैंड से बहुत ज़्यादा चंगा उन्होंने प्रोफाइल सेगा, जिहड़े पहला बहुत रिफ्यूजल आते थे हुण रिफ्यूजल उन्होंने नहीं आएंगे, उत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं अपरूवल आते हुए नजर आएंगे। पीटी वाले स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली बहुत चंगा प्रोफाइल 60+ उनका स्कोर सीगा, पहला रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा सी, इतनी हुण अपरूवल बहुत आने के चांस ने। सो ओवरऑल ये सिनेरियो आ, बाकी जो अगर डिवेलपमेंट होगी जिमें जिमें रिजल्ट आने असं जरूर टाइम टू टाइम थोड़े शेयर करते रहेंगे। थोड़ी कोई जनवरी इनटेक की फाइल आ, मई इनटेक की फाइल आ, जरूर सानू कंसल्ट करो, मेरे लाइसेंस लीगल कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। जनवरी के कुछ प्रोग्राम साढ़े को स्टिल अवेलेबल ने और मई के भी हम बहुत सारिया ऑप्शन इस टाइम से कैनेडा वालों बहुत सारे प्रोग्राम इस टाइम से ओपन ने। एक छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो बंद करने तो पहला अगर साडा यूट्यूब का चैनल तुसीं हुण तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब करो। थैंक यू।